Hello students, today we will read chapter 1st part 2 class 7th honeycomb NCERT. So last time हमने पढ़ा था कि जब हर्मिट और किंग के बीच में बातचीत हो रही होती है तो उसके बाद हर्मिट क्या कहते हैं एकदम से here comes someone running. वो किंग को कहते हैं कि देखो कोई दौड़ता हुआ हमारी तरफ आ रहा है. The king turned round. तो किंग पीछे मुड़ के देखता है and saw a bearded man running towards them. और वो क्या देखता है कि एक दाढ़ी वाला आदमी उनकी तरफ भागता हुआ आ रहा है. His hands were pressed against his stomach. उसके हाथ उसके स्टमक पे होते हैं, उसने अपने स्टमक को दबाया हुआ होता है. From which blood was flowing. और उसके स्टमक में से बहुत सारा खून आ रहा होता है. When he reached the king, जब वो किंग के पास पहुँचता है, he fainted and fell to the ground. वो बेहोश हो जाता है और ज़मीन पर गिर पड़ता है. Fainted means lost consciousness, मतलब बेहोश हो जाना या अपने होश गवा देना. उसके बाद क्या होता है, the king and the hermit removed their clothes. तो उसके बाद king और hermit जो हैं वो उसके कपड़े रिमूव करते हैं, उसके वाउंड के मतलब उसको ब्लड वगैरह साफ़ करते हैं. Removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. तो जब उसके कपड़े उतारते हैं तो वो देखते हैं कि उसके स्टमक में बहुत ज़्यादा मतलब गहरी चोट है, लार्ज वाउंड है. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विथ हैंड हिज हैंडकरचीफ. तो किंग उसको पहले वॉश करता है, फिर उसको अपने रुमाल से हैंडकरचीफ यानी कि रुमाल अपने रुमाल से उसको कवर करता है. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. लेकिन जो ब्लड है वो वहाँ से रुक ही नहीं रहा होता, वो कंटिन्यू वैसे ही आ रहा होता है ब्लड बहुत ज़्यादा. द किंग रीड्रेस्ड द वाउंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड. और किंग तब तक उसकी रीड्रेसिंग यानी कि उसको ब्लड को साफ करता रहता है, उसको पट्टियाँ करता रहता है जब तक कि ब्लड पूरी तरह से रुक ना जाए. द मैन फेल्ट बेटर. तो फिर इसके बाद जब ब्लड थोड़ा रुक जाता है उस आदमी को थोड़ा बेटर फील होता है. एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. तो वो पीने के लिए कुछ मांगता है कि पानी वगैरह. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. तो फिर वो राजा है वो उसके लिए फ्रेश वाटर लेके आता है और उसको दे देता है. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट. उस टाइम तक जब तक ये सब होता है तब तक सन सेट हो चुका होता है यानी कि सूरज छिप गया होता है, शाम हो चुकी होती है. एंड द एयर वॉज कूल. और हवा भी है वो ठंडी हो चुकी होती है, ठंडी हवा चल रही होती है. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरीड द वाउंडेड मैन इनटू द हट. तो जो किंग है वो हर्मिट की हेल्प से उस वाउंडेड मैन को उसकी हर्मिट की हट के अंदर लेके जाता है. एंड लेड हिम ऑन द बेड. और उसको वो बेड पे लेटा देते हैं. बाद क्या होता है, उस आदमी को नींद आ जाती है और उसके बाद किंग भी वहीं बैठ जाता है क्योंकि वो पूरा दिन काम करके बहुत थका हुआ होता है. तो उसके बाद किंग को भी वहीं नींद आ जाती है. और जब वो किंग जागता है व्हेन ही अवोक, उसको कुछ भी याद नहीं होता थोड़ी देर के लिए कि मैं हाँ कहाँ पर हूँ और क्यों हूँ. फिर उसको थोड़ी देर बाद लेकिन सब याद आ जाता है. उसके बाद क्या होता है, फॉरगिव मी सेड द बियर्डेड मैन. जो बियर्डेड मैन होता है वो किंग से कहता है कि फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो. लेकिन किंग कहता है आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर. मैं तुम्हें नहीं जानता और तुमने ऐसा अभी तक कुछ भी नहीं किया कि जिसके लिए मैं तुम्हें माफ़ी दूँ. यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू. तो वो आदमी कहता है कि आप मुझे नहीं जानते लेकिन मैं आपको जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वॉर रिवेंज ऑन यू. मैं आपका वो दुश्मन हूँ जिसने कसम खाई थी कि मैं आपको आपसे बदला लूँगा. बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ. क्योंकि आपने मेरे ब्रदर को मारा था. एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी. सीज्ड यानी कि धक्के से किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेना. और आपने मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लिया था. आई नो यू हैड गॉन अलोन टू सी दैट हर्मिट. मुझे पता था कि आप हर्मिट से मिलने अकेले गए हो. एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम. और मैंने अपना मन बना लिया था कि जब आप अपने घर वापस जाओगे तब आप अकेले होगे और मैं आपको मार दूंगा. बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न. लेकिन पूरा दिन बीत गया, मैं आपका इंतज़ार करता रहा बट आप वापस नहीं आए. सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस. तो मैंने अपना हाइडिंग प्लेस यानी कि जहाँ पर मैं छुपा हुआ था वहाँ से मैं बाहर आया. एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड. फिर मुझे आपका बॉडी गार्ड मिला. हु रेकोगनाइज्ड मी. उसने मुझे पहचान लिया. एंड वाउंडेड मी. और मुझे उसने मारा. आई एस्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड्स. मैं उससे तो बच निकला लेकिन मैं मर जाता अगर आपने मेरे वाउंड्स को ड्रेसअप नहीं किया होता, यानी कि मुझे मेरा ये ब्लड साफ करके मुझे पट्टियाँ नहीं की होती. आई विश्ड टू किल यू एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ. मैंने तो आपको, वो कहता है कि मैंने तो आपको मारने का सोचा था लेकिन आपने मेरी
जिंदगी बचा ली। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। फेथफुल यानी कि लॉयल एंड ट्रू यानी कि ईमानदार। तो वो कहता है कि अब जब तक मैं जिंदा रहूँगा तब तक मैं आपका सबसे ईमानदार सर्वेंट बन के रहूँगा, सेवक बन के रहूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम। और मैं अपने बेटों से भी कहूँगा कि वो आपकी सेवा करें। फॉर गिव मी, वो फिर से कहता है कि मुझे माफ़ कर दो राजा जी। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी सो ईजली। तो किंग जो है इस बात से बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, यानी उसे ये लगता है कि उसने कितनी आसानी से अपना एक और दुश्मन खत्म कर दिया। एंड टू हैव वॉन विद वॉन हिम ओवर एज अ फ्रेंड। और उसे लगता है कि मैंने अपने दुश्मन को अपना मित्र भी बना लिया। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम। तो वो राजा जो है उसको माफ़ तो कर ही देता है, बट सिर्फ माफ़ ही नहीं करता बल्कि क्या कहता है, बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ऑन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। वो कहता है कि मैं खुद अपने सेवकों को, अपने सर्वेंट्स को और एक डॉक्टर को तुम्हारे पास भेजूंगा जो तुम्हारा ख्याल रख सकें। लुक आफ्टर हिम यानी कि ध्यान रखना। एंड ही प्रोमिस टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी। और उसने प्रोमिस किया कि मैं तुम्हें तुम्हारी प्रॉपर्टी वापस कर दूंगा। लिविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हर्ट। तो वो उस जख्मी आदमी को वहीं छोड़ के, मतलब उसे इतनी बात करके, किंग बाहर जाता है हट से। एंड लुक्ड राउंड फॉर द हर्मिट। वो आसपास हर्मिट को ढूंढने लग जाता है। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। वो सोचता है कि जाने से पहले मैं हर्मिट से एक बार और कोशिश कर लूँ कि शायद वो मेरे क्वेश्चंस के आंसर बता दे, जो उससे मैंने 3 क्वेश्चंस पूछे थे। द हर्मिट वॉज ऑन हिज नीज। तो हर्मिट अपने घुटनों पर बैठा होता है, घुटनों के बल यानी कि सोइंग सीड्स इन द बेड्स। और वो बीज बो रहा होता है जो उसने प्रीवियस डे जो उसने तैयार किए थे बेड्स, बीजों के लिए। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट। उसके बाद जो किंग है वो हर्मिट के पास जाता है एंड सेड, और क्या कहता है, फॉर द लास्ट टाइम आई बैग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। मैं वो कहता है कि मैं तुमसे लास्ट टाइम तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि मुझे मेरे उन 3 क्वेश्चंस के आंसर बता दो बुद्धिमान आदमी। वो कहते हैं कि इस बार मैं लास्ट टाइम पूछ रहा हूँ, इसके बाद मैं तो दोबारा तुमसे नहीं पूछूंगा, तो मुझे प्लीज़ मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे दो, तुम बहुत बुद्धिमान हो। उसके बाद क्या होता है, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर सैट द हर्मिट। तो हर्मिट कहता है कि तुम्हें ऑलरेडी तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं। सैट द हर्मिट स्टिल बैंडिंग डाउन टू द ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एंड ही स्टूड बिफोर हिम। तो वहीं बैठा बैठा वो अपना काम करता करता किंग को बोल देता है कि तुम्हें ऑलरेडी तुम्हारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए हैं। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड, व्हाट डू यू मीन। तो किंग पूछता है कि मुझे आंसर कैसे मिल गए, तुम्हारा क्या मतलब है कहने का। डू यू नॉट सी, रिप्लाइड द हर्मिट। तो हर्मिट कहता है तुमने नहीं देखा, इफ़ यू हैड नॉट पिटीड माई वीकनेस येस्टरडे, अगर तुमने कल मेरी कमजोरी पर दया नहीं दिखाई होती, पिटीड यानी कि दया दिखाना, एंड हैड नॉट डग दिस बेड्स फॉर मी, और तुमने मेरे लिए ये बेड्स तैयार नहीं किए होते, ये नहीं खुदाई नहीं की होती, यू वुड हैव गॉन अवे, तो तुम चले जाते तभी के तभी यहाँ से। देन द मैन वुड हैव अटैक्ड यू, और ये आदमी जो तुम्हारी वेट में वहाँ पर खड़ा था वो तुम्हें अटैक कर देता। एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, और फिर तुम सोचते कि काश मैं वहीं रुक जाता यहाँ आने से अच्छा तो। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज वैन यू वर डिगिंग द बेड। तो इसलिए कल तुम्हारे लिए उस टाइम सबसे इम्पोर्टेंट टाइम क्या था कि जब तुमने मेरी सहायता करी, यहाँ पे खुदाई करी। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन, और उस टाइम मैं तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैन था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस, और उस टाइम तुम्हारा सबसे इम्पॉर्टेंट बिजनेस क्या था कि तुम मेरे साथ अच्छा करो। आफ्टरवर्ड्स वैन द मैन रैन टू अस, और उसके बाद जब वो आदमी हमारे पास भाग के आया, उस टाइम हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था वॉज वैन यू वर केयरिंग फॉर हिम, जब तुम उसकी केयर कर रहे थे, उसकी देखभाल कर रहे थे। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट रेस्टेड his wounds, he would not have died without having made peace with you। क्योंकि अगर उस टाइम उसकी तुमने हेल्प नहीं करी होती तो वो मर जाता, और फिर उसकी तुम्हारे साथ दोस्ती भी नहीं होती। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, तो इसलिए उस टाइम वो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैन था। एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और जो तुमने उसके लिए किया वो तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस था। रिमेंबर देन देयर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इंपॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। तो वो कहता है कि याद रखो हमेशा प्रेजेंट टाइम जो नाउ अभी का टाइम है वही हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये उसके फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था। और वो इंपॉर्टेंट क्यों होता है टाइम, क्योंकि वही टाइम है जब हम कुछ कर सकते हैं, कोई भी एक्शन ले सकते हैं। हम ना तो पास्ट में जाके कुछ कर सकते हैं और ना ही फ्यूचर में जाके कुछ कर सकते हैं।
हम प्रेजेंट में ही कुछ भी कर सकते हैं। और वो कहते हैं, उसका सेकंड क्वेश्चन था कि सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन कौन हो सकता है मेरे लिए, तो फिर वो कहते हैं द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद, तो तुम प्रेजेंट टाइम में जिस पर्सन के साथ हो वही तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है, उस टाइम तुम उसी के साथ होते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस ये है कि जिस पर्सन के साथ तुम हो उसके साथ तुम कुछ अच्छा करो, उसकी हेल्प करो जितनी कर सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है, उसके थर्ड क्वेश्चन का ये आंसर था। उसने पूछा था कि मेरा सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस क्या हो सकता है, तो उसके थर्ड क्वेश्चन का आंसर था द मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड, कि उसके साथ हम कुछ अच्छा करें, क्योंकि हमें इस दुनिया में भेजा ही इसीलिए गया है कि हम प्रेजेंट में जिए और सबके साथ अच्छा करें, सबकी हेल्प करें। तो आप सबको समझ आ गया होगा, अगर आ गया आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।